इस देश के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, कवि, नानक, रहता इसी धरती पर हुई है। वो 2500 साल में जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मोदी जी जैसे कितने आए, कितने आएंगे और कितने चले गए। जिस आदमी की दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिस आदमी का नाना प्रधानमंत्री रहा हो, वो आदमी रोड पर हाफ बाजू की टी शर्ट में भारत जोड़ो की बात कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी की पहले और उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो भी घूम रही है, मैं कह रहा हूँ कि हिटलर शाही ज्यादा देर नहीं चलेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से, आपके चार बुलों के चार चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज आपकी औकात हुई कि हम तालकोटरा स्टेडियम में कहीं खड़े होकर के ये आयोजन कर रहे हैं। अन्यथा कोई चौधरी अपनी डॉल पर नहीं चढ़ने देता था, कोई अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता। आज ये उन्हीं के आरक्षण की वजह से है कि हमने तालकोटरा स्टेडियम में यहाँ खड़े होकर के अपनी बकवास कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पसंद नहीं, शर्म नहीं आती? तोड़ने वाले जो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं वो ही, ये तो रविदास ही बता रहे हैं। तो रविदास ने कहा समाज को तोड़ने की बात कही? रविदास ने तो कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़ो सब संबचे रहे दास है बरसन। मतलब उस पर सीधा था, एक आदमी मंच पर बैठा होगा, मैंने देखते पहचान लिया, जय भगवान, विश्व हिंदू परिषद का आदमी। ऐसा कौन सा कानून है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए? हम ये कहीं नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये तो नहीं कहीं लिखा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? मोदी जी ने खुद कहा ना, मैं एमए हूँ, और अगर आप एमए हैं तो आपको अपनी डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या? दिखाओ डिग्री। तो डिग्री दिखाई तो इन्होंने कहाँ दिखाई? इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अरे भाई साहब वही आप भी मोदी जी की भाषा बोल रहे हो, हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को दिक्कत है तो मोदी जी आगे आए, लोगों की भावनाओं की कदर करें। लोकतंत्र में यही एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोगों को दिक्कत है मोदी जी की लोकप्रियता से? भाई देख, ना तो मुझे एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना निगम पार्षद बनना, ना प्रधानमंत्री बनना मोदी जी की तरह। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, मुझे वही रहना है। लेकिन राहुल नागपाल देश नहीं है, देश 130 करोड़ लोगों को मिला करके बनता है। और अगर इस देश के 130 करोड़ आबादी की आवाज ये है कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं तो दिखाएं, डर किस बात का है यार? अगर आप डर रहे हो तो इसके लिए झूठ बोल रहे हो कहीं ना कहीं। अरे आप लोगों पर कार्रवाई हो रही तो डिग्री पूछने लगे मोदी जी की? देखिए हम पे कौन सी कार्रवाई हो रही, कौन सी कार्रवाई नहीं हो रही वो बात की चीज है। हमारे ऊपर कार्रवाई और चार FIR कर दो, हमें कौन सी आफत आ रही है? आप सरकार हो रही केजरीवाल के मंत्री। अरे मैं कह रहा हूँ केजरीवाल कह रहा है डिग्री। अरे भाई साहब केजरीवाल हो या कोई मोहनलाल हो, ये जितने लाल घूम रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो डिग्री की बात कर रहा हूँ। क्या अगर डिग्री को लेकर के सवाल पिछले 9 साल से बना हुआ है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास में और भी काम धंधा है, केवल डिग्री का हिसाब मांगने का काम धंधा नहीं है। डिग्री से जानी जाएगी क्या? जब आप कह रहे हो कि जी मैं एमए हूं तो डिग्री से यहाँ की जाएगी, नहीं तो फिर अनपढ़ जो फेरी लगा रहा हूँ उसमें आप में क्या कमी रह गई? आप एक तरफ तो ये बताने की कोशिश करो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और दूसरी तरफ कह रहे हो जी मेरी योग्यता पढ़ाई से यहाँ पर गई। अरे जब तू खुद बता रहा है कि मैं एमए हूं तो फिर एमए की डिग्री तो दिखाना। तो ये भी तो अगर आपको उन्होंने, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, अरे तो ज्यादा अब एमए से बड़ी भी कोई पढ़ाई है? एमए से बड़ी कोई पढ़ाई है कि जी बताओ भाई? 16वीं क्लास हमारे गाँव देहात में कहते थे भैया 16वीं क्लास होगी, बहुत बड़ी पढ़ाई है, यहाँ जाएगा कोई ना जब तुम ना PhD है। अरे तो PhD तो बड़ी चीज होगी ना, पढ़ाई की, स्कूली पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। एमए से बड़ी तो कोई पढ़ाई नहीं है ना। जब सारे देश के लोग ये कह रहे हैं कि भैया एमए है और एमए की डिग्री तुम्हारे पास में है नहीं, तो एमए ही है फिर, तो एमए कहाँ है? कहीं से कुछ घेरने को नहीं मिला तो आप लोग मोदी जी को डिग्री को लेकर घेर रहे हैं। हम तो डिग्री को, हम तो कह रहे हैं मोदी जी को हम तो डबल एमए मान लेंगे यार, ट्रिपल एमए मान लें, हम तो 4 टाइम MA मान लें, हमें कौन सी आप बता रही है? मोदी जी 65-70 साल के हो गए, 10-20 साल की उनकी जिंदगी और है, ना मोदी जी रहेंगे ना डिग्री रहेगी, कभी उनका 10 साल का इतिहास लिखा जाएगा, लिखने वाली जिस किताब में लोग पढ़ेंगे ना, अगर गलती से एक पेज फालतू मुड़ गया तो खत्म 10 साल। कौन पूछ रहा है यार? इस देश के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, कवि, नानक, रहता इसी धरती पर हुई है। वो 2500 साल में जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मोदी जी जैसे कितने आए, कितने आएंगे और कितने चले गए। एक समय वो था इस देश के अंदर इंदिरा जी के नाम पर नारा लगता था, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा। आज ना इंदिरा बची ना कांग्रेस बची, तो ये भी नहीं बचेंगे। वही तो मामला चल रहा है, इधर राहुल नागपाल बोल रहे हैं, उधर राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी। भाई साहब हम कह रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी ना, कौन सी आफत आ गई? अरे दोबारा चुन के आ जाएगा, मकान खाली हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, मेरे घर में आकर रह ले, लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा घर है, मेरे घर में आकर रह ले, तुम्हारे घर में आकर रह लेगा, उसके लिए घर की कमी नहीं है, उसके लिए घर की कमी नहीं है। सवाल यह है कि वर्तमान समय में जब इस देश के अंदर लोकतंत्र को कुचल करके हिटलर शाही परोसी जा रही हो, उस दौर में जिस आदमी का बाप प्रधानमंत्री रहो, जिस आदमी की दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिस आदमी का नाना प्रधानमंत्री रहो, वो आदमी रोड पर हाफ बाजू की टी शर्ट में भारत जोड़ो की बात कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी की पहले और उनका सम्मान होना चाहिए। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो लोग ट्यूट करके एसी कमरों में बैठ करके सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज की राजनीति को बचा लें, तो कम से कम वो घर से बाहर निकले। और तुम्हारी तरफ, तुम भी तो ट्यूट करते हो, इनकी तरफ ये जितने पीछे खड़े हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ ना, ये जितने लोग अपने आप को कहते हैं बहुजन समाज डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति कर रहे हैं, उनकी सबकी तरफ निशाना है। अकेला मायावती की तरफ थोड़ी है, अकेला अखिलेश यादव की तरफ, लालू यादव की तरफ थोड़ी है, रामदास अठावले की तरफ थोड़ी है,
हैं, उदित राज की तरफ थोड़ी है, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से यहाँ स्थापित हुई है। और आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान रोल पर जलाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वो घरों में बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जो है वो क्या नाम है लोकतंत्र बचा लेंगे, शर्म नहीं आती? तो राहुल गांधी संविधान बचाने निकले थे और संविधान नहीं बचाने निकले तो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो। अरे तो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो संविधान, अरे भारत यार तुम कैसी बात करो अनपढ़ों वाली है गजेंद्र भाई, जब भारत जुड़ेगा तभी तो संविधान बचेगा, तभी तो डेमोक्रेसी बचेगी, तभी तो लोकतंत्र बचेगा। अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को फिर भी नहीं बचा, फिर भी नहीं बचा, कहाँ बचा ना। अगर भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने सिर्फ अपने लिए की होती तो क्या जरूरत थी? तो ये गैर कानूनी मानते हैं हम कार्रवाई को? बिल्कुल एक तरफा मानता हूँ। कैसे मानते? इस देश के अंदर लाखों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में पड़े हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से हैं। एक मुकदमा आता है, एक महीने में एक हफ्ता कोर्ट में चलता है, उसमें क्या नाम है फैसला आता है, और फैसला आने के बाद में अगले दिन सदस्यता रद्द और घर खाली करो। इतनी इतनी स्पीड से तो मेट्रो ट्रेन नहीं चल रही, सारे देश के अंदर शताब्दी नहीं चल रही। जितनी का केस था ये सर, अरे भाई साहब 19 आप मैंने पढ़ा पूरा वो, ये देखो कि कोर्ट में वो सुनवाई भी कब आया, 15 दिन सुनवाई नहीं हुआ ना। ओ भाई साहब कानून के आधार पर तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है बाबरी मस्जिद वाले मामले में कि रामलला इज ए लीगल पर्सन। तो मुझे बताओ रामलला का आधार कार्ड कहाँ है? मुझे बताओ कि रामलला मस्जिद जमीन लेने के लिए पेश हुए थे कि जी लाओ मुझे जमीन तो ये मेरा मंदिर बनेगा? नहीं ना। और बाद में उस आदमी को जिसने रामलला पर डिसीजन दिया था उसको क्या नाम राज्यपाल बनाया जाता है, किसी को क्या नाम राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। न्यायपालिका विश्वास नहीं आप? कहाँ न्यायपालिका का विश्वास, जिस जो न्यायपालिका 1971 में ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मुकदमे में ये कह चुकी है रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ और राम एक काल्पनिक पात्र है, आज उसको लगभग 35-40 साल के बाद में वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि रामलला ये लीगल पर्सन। तो आप समझ लो या तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट गलत था या आज का सुप्रीम कोर्ट गलत है, गलत तो एक दोनों में से एक ना कहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो भी घूम रही है, मैं कह रहा हूँ कि हिटलर शाही ज्यादा देर नहीं चलेगी, जब तक चल रही है चल रही है, मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है। क्या हमने इस देश लोग बोल रहे हैं सारे तो मोदी जी के जब साथ तक है। मेरे जैसा एक भी आदमी इस देश के अंदर जिंदा है जब तक मोदी जी की तो छोड़ दो, मोहन भागवत की तो छोड़ दो, और इनके जितने मर गए ऊपर और नीचे नरक में जितने उन्हें सबक बुला लो, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे तो मेरे कान पे गोली मार देना जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी जिंदा है, सिंगल आदमी जिंदा है इस देश में। अगर मनुवाद पर कोई भारी है तो वो सिंगल अम्बेडकरवादी भारी है, और अगर ये डरते हैं ना तो चमार सम्मेलन से नहीं करते, तो अम्बेडकर बात से जानते हैं अखिलेश के हो जाते हैं हमारी, छोड़ो हम किसके, हम कांग्रेस के भी नहीं है, हम सच के साथ खड़े हैं। जो आदमी सच बोलेगा हम उसके साथ खड़े, वो कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, मैं ना जाति के साथ जुड़ा हूँ ना धर्म के साथ जुड़ा हूँ ना मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ। करोली बाबा से मिले, करोली बाबा का मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, करोली बाबा आए हम उसकी घटा देंगे, वो दूसरों की बढ़ा रहे हैं ना हम घटा देंगे उसकी। और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना दे, हिंदू राष्ट्र तो बना लो, पिछले 9 साल में तो बना नहीं, 2024 में चुनाव है आपको बना कर देख लो। आज दिल्ली में चमार अधिवेशन हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर यही कहना है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं ये, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर क्या टिप्पणी करनी। मैं तो यही कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया, बुद्ध कवि नानक रैदास फूले जो हमारे महापुरुष हैं 2500 साल के, उन तमाम लोगों ने इस देश को कहा कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो 6743 जातियों में हमें काट करके जो कीमा बना दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में जो थोड़ा सा शहद मिला करके थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके उसको गेंद बना करके जो आपको शासक बना दिया सबको इकट्ठा करके, आज उस गेंद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जातियों के आधार पर। आज चमार अधिवेशन हो रहा है, कल को भंगी अधिवेशन होगा, फिर जाटव अधिवेशन होगा, फिर कोली अधिवेशन होगा, फिर नाई अधिवेशन होगा, फिर दूसरा अधिवेशन होगा। अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने का मतलब यह है कि अगर जातियों के घमंड से सरकारें बनती तो फिर ब्राह्मण बना लेता सबसे बड़ा जाति में, लेकिन वो ब्राह्मण सिर्फ अपने आप में ब्राह्मण है, लेकिन जब उसको सरकार बनानी होती है तो वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में, वो सबको कहता है तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, वो सबको लेकर के चलता, वो चमार से भी कहता तू भी हिंदू हो, तो वो सबको लेकर भूल गए थे। अभी मंजीत मेहरा है गायक है बेचारा, उसने जय भीम का नारा लगा दिया, उसने मंच उठा कर नीचे करते और चल नीचे, जय भीम के नारे से यार इतनी नफरत हो गई जी, जय भीम के नारे वाले चमार, मैं बता रहा हूँ ना चमार, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से आपके चार बुनों के चार चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज आपकी औकात हुई कि हम तालकोटरा स्टेडियम में कहीं खड़े होकर के ये आयोजन कर रहे हैं, अन्यथा कोई चौधरी अपनी डॉल पर नहीं चढ़ने देता था, कोई अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता, आज उन्हीं के आरक्षण की वजह से है कि हमने तालकोटरा स्टेडियम में यहाँ खड़े होकर अपनी बकवास कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पसंद नहीं, शर्म नहीं आती? कौन से चमार है ये? घटिया 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 चमार, और क्या तोड़ने वाले जो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं वो ही? ये तो रविदास ही बता रहे हैं। तो रविदास ने कहा समाज को तोड़ने की बात की? रविदास ने तो कहा ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को ने छोट बड़ो सब संबचे रविदास है बरसन, रविदास ने तो सबको जोड़ने की बात करी है, और इनको अम्बेडकर भी हजम नहीं हो रहे, तो ये रविदास बात ही भी नहीं है।
ये तो पता नहीं कौन से वादी इनका, तो वादी समझ में क्या है, फिर ये क्यों खड़े हैं? इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बातें समझ में आएंगी। और दो, अभी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें, इसका कोई मतलब भी है? मतलब उस पर सीधा था, एक आदमी मंच पे बैठा हुआ, मैंने देखते ही पहचान लिया, जय भगवान, विश्व हिंदू परिषद का आदमी, ठीक है, जय भगवान, जय भगवान, दूसरा भी एक जय भगवान जाटव भी ने, वो विश्व हिंदू परिषद है, पता नहीं कौन सा संगठन है उनका, तो वो वहाँ बैठे थे। और हाँ, और ये सारा काम उसी बीजेपी और आरएसएस की सह पे हो रहा है, ताकि बहुजन समाज और बहुजन समाज की जो एका की है वो बिगड़ जाए, वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए। आदमी विरोध करने वाले ज्यादा बाहर नजर आ रहे हैं। हाँ तो ये, हाँ तो ये जो मुठ्ठीभर लोग हैं ना, जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, किसी ने अखिल भारतीय चुमार संघ बना रखा है, किसी ने अखिल भारतीय पता नहीं कौन सा संघ बना रखा है, संघ में उनके अलावा उनकी घरवाली नहीं है, उनके पास में जो विजिटिंग कार्ड है ना, वो ले रहे हैं कि अखिल भारतीय चुमार महासंघ, कब मैं कौन का मैं अध्यक्ष हूँ, उसका घरवाली कहाँ का, वो घर है, मतलब इनके साथ में की घरवाली नहीं है, बच्चों की तो बात छोड़ दो। मैंने यहाँ आज ऐसे ऐसे देखे, मजे की बात बता रहा हूँ, कि जो लोग जिनके बुजुर्ग अंदर खड़े होकर कह रहे हैं रविदास की मूर्ति नहीं लगेंगी, उनके बेटे कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए, हमारा बाप पागल हो गया है, तो आप समझो ना, अम्बेडकर वाद कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन वन्फ्यूजन कुछ नहीं है, इन बेचारों को पैसे वैसे मिल गए ठीक ठाक कहीं से, तो यहाँ टारगेट रोड स्टेडियम में प्रोग्राम करके दिखा दीजिए, कर दिया बात खत्म, पैसे शाम को अपना लोगा खाएंगे, दारू पीएंगे, काम कर रहे थे, प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ फिर इसका? कोई अरे कुछ ना कुछ तो होगा, पैसे तो हजम करने कहीं से लिए नहीं, अगर तुम किसी पड़ोसी से 10,000 रुपए उधार ले लो किसी काम के, तो करके तो दिखाना पड़ेगा ना, बाहर विरोध होता रहा। जगजीवन राम का तो लगा हुआ ना, तो बाबू जगजीवन राम का हम भी सम्मान करते, हमने कब मना किया उनका सम्मान नहीं है? ये बात अलग है कि मीरा कुमारी अंदर मंच पर थी, वो नीचे उतरती थी, उनका इंटरव्यू करता, उनसे पूछता, उन्होंने 1999 में कहा था, एक बार कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, तो पूछते कैसे पिछलग्गू थे, उस पर मंच पर वो भी थी उनकी लड़की, क्या नाम है, नहीं उनकी लड़की क्या नाम उसका, रूपचंद जी की लड़की थी जो निगम पार्षद रही है कांग्रेस, अभी बीजेपी में चली गई है, ठीक है, वो भी कह रही थी क्या जी, उसने भी कहा था, रूपचंद जी भी एक बार कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर तो क्या नाम है अंग्रेजों की कलम में स्याही भरते थे, तो इसे हिसाब लिया जाना चाहिए, समाज गरीबान पकड़ के हिसाब पूछेगा, ऐसा नहीं नहीं पूछेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उंगली उठाने का मतलब है आप सूरज पर नीचे से धूल फेंकने का काम, ये तो बाबा साहब की बदौलत है ना जो आज ये ताल कटोरा में, ना ना ये बाबा साहब की बदौलत कैसे हो जाएंगे, तो पता नहीं किसी और की बदौलत, ये बीजेपी आरएसएस की बदौलत है, हाँ ये किसी की जेब की बदौलत, किस तरफ जा रहा फिर ये समाज, आप तो कह रहे समाज तो यहाँ खड़ा ना बाहर, वो जो अंदर बैठे हैं 80-80 साल के, ये 5 साल में सब खत्म हो रहे, कहानी खत्म, समस्या खत्म, बचा क्या कुछ है? ऐसी एकजुट होगा समाज, और समाज तो एक ही जुट है, ये नेता एक जुट है, अंदर नेता है, समाज तो बाहर रोड पे है, ये सब समाज ही तो खड़ा है पीछे, तो मुझे सुन रहा है खड़े होकर, मतलब आप बाबा साहब को ठुकरा रहे हैं और जिन्हों गाली दो वो अपना रहे हैं बाबा साहब। हाँ तो मैंने वही बात कही ना, कि जिस दौर में बीजेपी आरएसएस की सरकार चल रही है और वो बाबा साहब की बात करने में, म्यूजियम बनाने में, जय भीम का नारा लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हो, उसी दौर में चमार कम्युनिटी जिसको कहा जाता है बाबा साहब की वैसे यहाँ तक पहुंचे, वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में, फोटो लगाने में हिचकिचा रही हो, तो आप समझ लीजिए हमारा ऐसे कहा गया मन से कि जिसे रुकना हो रुकने वो जा सकता बाबा साहब, तो भाई साहब आका को खुश करना है।